Hello and welcome back. I am Dr. Rahil Chaudhary, eye doctor, cataract and refractive surgeon. आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे VUITY EYE DROPS के बारे में. VUITY EYE DROPS एक नई तरह की ड्रॉप आई है मार्केट में और ये ड्रॉप ऐसा दावा करती है कि इस ड्रॉप को डालने से चश्मे का नंबर ठीक हो जाता है. VUITY EYE DROPS दुनिया की पहली ड्रॉप नहीं है जो ऐसा दावा करती है. VUITY से पहले भी कई सारी ड्रॉप्स है जिन्होंने ऐसा बोला है, लेकिन VUITY EYE DROPS के अराउंड चर्चा या इंटरेस्ट इसलिए ज़्यादा हो गया है क्योंकि इस ड्रॉप को USFDA का अप्रूवल मिल गया है चश्मा हटाने के लिए. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को USFDA का अप्रूवल मिलता है तो उस पर जेन्युइन होने का एक ठप्पा लग जाता है. तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि क्या नई चीज़ आई है, ये कैसे काम करती है VUITY ड्रॉप, और क्या ये ड्रॉप एक रेवोल्यूशन लाने वाली है. क्या हो सकता है कि ये ड्रॉप जो हमारी कन्वेंशनल सर्जरीज होती हैं चश्मा हटाने की, जैसे मैंने आपके साथ कई वीडियोस में डिस्कस करा है कि कंट्यूरा विजन से चश्मा हट सकता है, ICL से चश्मा हट सकता है, तो क्या VUITY ड्रॉप जो है इन सारी सर्जरीज को रिप्लेस कर सकती है, और क्या अब हम ऐसे इरा में एंटर हो रहे हैं कि बिना ऑपरेशन के पेशेंट को चश्मे से निजात दिला सकते हैं. ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे हम आज की वीडियो में. तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि VUITY EYE DROPS को किस तरह का चश्मा हटाने का अप्रूवल मिला है, लेकिन उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि चश्मा होते कितने टाइप के हैं, कि एक इंसान में कितने प्रकार के चश्मे के नंबर हो सकते हैं, और ये VUITY EYE DROPS आपको किस प्रकार के नंबर में एडवांटेज देती है. तो देखिए, एक इंसान में चार तरह के चश्मे के नंबर हो सकते हैं. पहला नंबर होता है जो मेजॉरिटी लोगों में मिलता है, जिसको हम लोग कहते हैं माइनस या मायोपिया का नंबर. मायोपिक पेशेंट्स जो होते हैं उनको दूर का धुंधला दिखता है लेकिन नज़दीक का साफ दिखता है. दूसरे तरह का नंबर होता है जिसको हम लोग कहते हैं हाइपरोपिया या हाइपरमेट्रोपिया या प्लस का नंबर. प्लस नंबर वाले पेशेंट्स को पास का धुंधला दिखता है लेकिन दूर का साफ दिखता है. तीसरे तरह का नंबर होता है जिसको हम लोग कहते हैं सिलेंडर नंबर या एस्टिगमैटिज्म. एस्टिगमैटिज्म का मतलब है कि हमारी जो आंख की शेप है, हमारी आंख की जो काली पुतली है, वो एक डायरेक्शन में ज़्यादा घूमी हुई है. और चौथे तरह का नंबर होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रेस बायोपिया. प्रेस बायोपिया का मतलब है कि उम्र के साथ एक रीडिंग का नंबर आ जाना. यूजुअली ये नंबर 45-50 साल की उम्र में आता है. अब VUITY EYE DROPS जो है, ये चौथे तरह का जो नंबर है जिसको हम लोग प्रेस बायोपिया कहते हैं, उसको ठीक करने के लिए इस ड्रॉप को लॉन्च करा गया. तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये उम्र के साथ नंबर आता क्यों है आंख में, और VUITY EYE DROPS इसमें आपको फ़ायदा कैसे देती है. तो इसमें हमें क्या समझना है कि हमारी आंख में नेचर ने, कुदरत ने हमारी आंख में एक लेंस बनाया हुआ है, और एक यंग इंसान का जो लेंस होता है ये एक फ्लेक्सिबल लेंस होता है. फ्लेक्सिबल लेंस का मतलब है कि ये अपनी शेप को चेंज कर सकता है और दूर का भी फोकस कर सकता है, नज़दीक का भी फोकस कर सकता है. जैसे आपने देखा है कैमरे में आजकल ऑटो फोकस लेंसेज आ गए हैं. ऑटो फोकस लेंस आपको दूर के लिए भी फोकस करता है, पास के लिए भी फोकस करता है. लेकिन जैसे एक इंसान की उम्र बढ़ती है, ये जो लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी है, ये जो दूर और पास को फोकस करने का मैकेनिज्म है, ये उम्र के साथ ख़त्म हो जाता है, कम हो जाता है, और एक सर्टेन एज के बाद, यूजुअली 45 साल के बाद ये ख़त्म हो जाता है. तो 45 साल के बाद आंख सिर्फ दूर का फोकस कर सकती है, नज़दीक का फोकस नहीं कर पाती, इसलिए नज़दीक का पढ़ने के लिए आपको चश्मा लगाना पड़ता है. अब VUITY EYE DROPS क्या करती है कि हमारी आंख की ये जो काली पुतली होती है,
ये आप देख रहे हैं काली पुतली है और काली पुतली में एक छोटा सा छेद है, इसको हम लोग कहते हैं प्यूपल, जहां से लाइट आंख के अंदर जाती है। तो व्यूटी आई ड्रॉप में जो ड्रग है, जो दवाई है, उसका नाम है पाइलोकार्पिन 1.25%। पाइलोकार्पिन कोई नई दवाई नहीं है, पाइलोकार्पिन दवाई पहले से उपलब्ध है, काले मोतिया की ट्रीटमेंट में यूज होती है। लेकिन व्यूटी आई ड्रॉप में इस पाइलोकार्पिन की जो स्ट्रेंथ है उसको कम कर दिया गया है। तो पाइलोकार्पिन का एक और इफेक्ट होता है कि ये जो प्यूपल है इसका साइज ये छोटा कर देती है, छोटा सा एक पिन होल बना देती है। तो व्यूटी आई ड्रॉप को डालने से जो नॉर्मल इंसान का प्यूपल 3 से 4 मिलीमीटर का होता है डायामीटर में, वो व्यूटी आई ड्रॉप को डालने से इसका साइज जो है वो छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से एक इफेक्ट निकल के आता है जिसको हम लोग कहते हैं पिन होल इफेक्ट, और उसकी वजह से आपको रीडिंग में थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता है। तो अगेन आपको ये समझना है कि व्यूटी आई ड्रॉप रीडिंग का भी जो नंबर है, जो प्रेस बायोपिया का भी नंबर है, उसको 100% नहीं ठीक कर रही, बस इसको डालने से पेशेंट को थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता है पढ़ने के लिए, जिससे पेशेंट थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाता है। तो अगेन व्यूटी आई ड्रॉप सबके लिए नहीं बनी, ये बनी है जिन पेशेंट्स की उम्र 45 से ऊपर हो गई है, जिनको रीडिंग का नंबर आ गया है, वो व्यूटी आई ड्रॉप को डाल के रीडिंग में थोड़ा सा एडवांटेज ले सकते। अब हम ये समझते हैं कि क्या इस ड्रॉप को हम पूरी लाइफ यूज़ कर सकते हैं और क्या इस ड्रॉप का कोई साइड इफ़ेक्ट है। देखिए व्यूटी आई ड्रॉप जब आपके प्यूपल को, ये जो छेद है आँख का, इसको छोटा करती है, तो इससे हम लोग देखते हैं कि कभी कभी इंसान को हेडेक्स बनने शुरू हो जाते हैं, सिर दर्द बनना शुरू हो जाता है या आँखों में दर्द बनना शुरू हो जाता है। तो एक हफ्ता डाल के अगर पेशेंट कंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा सिरदर्द आई एक नहीं बन रहा, तो पेशेंट कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन अगर पेशेंट अनकंफर्टेबल है, हेडेक बन रहा है, आई एक बन रहा है, तो इस ड्रॉप को यूज़ नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ हमें ये भी समझना है कि ये जो प्यूपल है ये भी छोटा बड़ा होता है आँख में। दिन के टाइम जब लाइट ज़्यादा होती है तो प्यूपल कंस्ट्रिक्ट होके छोटा हो जाता है, और रात के टाइम जब लाइट कम होती है तो ये प्यूपल जो है ये बड़ा हो जाता है, ताकि ज़्यादा लाइट आँख में जाए और हम देख सकें। तो आप देखेंगे जैसे अगर आप सोने जा रहे होते हैं और आप लाइट ऑफ करते हैं तो एकदम से आपको सब कुछ दिखना बंद हो जाता है, लेकिन कुछ टाइम बाद जब ये प्यूपल का साइज़ बड़ा हो जाता है तो आपको अंधेरे में भी काफ़ी कुछ दिखना शुरू हो जाता है। लेकिन व्यूटी आई ड्रॉप से ये साइज बड़ा हो नहीं सकता, व्यूटी आई ड्रॉप डालने से ये प्यूपल का साइज छोटा ही रह गया, तो रात के टाइम में पेशेंट्स को देखने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए हम सजेस्ट करते हैं कि अगर आप व्यूटी आई ड्रॉप डाल रहे हैं या अगर आप यूज़ करने की सोच रहे हैं तो रात को ड्राइव ना करें, क्योंकि रात को फिर आपको देखने में परेशानी होगी, हर चीज़ थोड़ी सी कम ब्राइट दिखेगी या कंट्रास्ट में फ़र्क पड़ सकता है। तो अगेन इस वीडियो को सम अप करते हुए, व्यूटी को USFDA का अप्रूवल तो मिल गया है, लेकिन अप्रूवल मिला है सिर्फ प्रेस बायोपिया की ट्रीटमेंट के लिए। प्रेस बायोपिया का मतलब है 45 साल की उम्र में जो चश्मे का नंबर आ जाता है रीडिंग का, तो ये सिर्फ रीडिंग के नंबर में आपकी हेल्प करती है। 45 साल से पहले पेशेंट की आंख में रीडिंग का नंबर नहीं होता, उन लोगों में व्यूटी का कोई रोल नहीं है। व्यूटी आई ड्रॉप भी आपका 100% रीडिंग का नंबर नहीं ठीक करती, थोड़ा सा रीडिंग का एडवांटेज दे देती है, थोड़ा डेप्थ ऑफ फोकस बढ़ जाता है, पेशेंट थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है। लेकिन अगेन अगर पेशेंट को बहुत छोटा अक्षर पढ़ना है, बहुत फाइन टेक्स्ट पढ़ना है, तो पेशेंट को रीडिंग ग्लासेस की सपोर्ट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो अगेन आपके मन में व्यूटी से रिलेटेड कोई डाउट्स हैं तो आप मेरे से बेहिचक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा आप सबके जवाब जल्द से जल्द दूं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल बी बैक सून।